अच्छा सुनो बेटा, ये आएगा प्लीज सर, घी के दिए जलाया करो बेटी के आने पे तुम लोग, घी के दिए जलाया करो, आज ये संदेश पूरे जग में फैला दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। हाथों में राखी ये बांधो, हाथों में राखी ये बांधे, बहू बनकर ये किसी और के घर में जाए, बनकर बेटी ये शैतानी करे, बनकर बेटी ये शैतानी करे, मां बनकर ये समझाए, मां बनकर ये समझाए। इसका तुम सम्मान करो, इसका तुम सम्मान करो और सबको तुम ये सिखाओ, और सबको तुम ये सिखाओ, आज ये संदेश पूरे जग में फैलाओ, आज ये संदेश पूरे जग में फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। कहते हैं कि बिन बेटी के सोचो ये दुनिया कैसी होगी, बिन बेटी के सोचो ये दुनिया कैसी होगी, न प्यार होगा मां का न बहन की राखी होगी, न प्यार होगा बहन का न प्यार होगा मां का न बहन की राखी होगी, जिस कदम से रुक जाए ये दुनिया, जिस कदम से रुक जाए ये दुनिया, वो कदम कभी न उठाओ, वो कदम कभी न उठाओ, आज ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये the girls in all conditions बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो इसीलिए ये सारी जो एक्टिविटीज हैं सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए हैं कि आप किसी से कम नहीं हो। ये सब एक्टिविटीज चलती रहेंगी, आप निकल जाएंगे, आपके बाद आपके छोटे बच्चे आएंगे, वो आएंगे, बट मुझे जो लगता है इन सब एक्टिविटीज का एक ही मकसद है कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाना कि आप ऊंचे ऊंचे सपने ले सको और उनको अचीव कर सको। क्या चाहिए? तो सर को सुनने के लिए बेताब है, एक शेर जो है सर की तरफ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत हमारे जो 17 ब्लॉक हैं रूरल ब्लॉक्स, उन सब से हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि पार्टिसिपेट करें, और बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि 34,000 बच्चियों ने कम्पीट किया और आज हमारे पास यहाँ पे 17 टीम्स आई हैं जो फाइनल के लिए आई हैं, और इनमें से जो सिलेक्ट होगा वो ऑब्वियसली उसको एक हायर मुकाम मिलेगा। बट बेसिकली जो एक मकसद है स्कीम का वो ये है कि हम अपनी बच्चियों को एक कॉन्फिडेंस दें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अभी जब हम बच्चियों से बात कर रहे थे तो दे कुड वेरी वेल रेजोनेट विद आरुषि कोतवाल, जो कि प्रधानमंत्री जी का बाल पुरस्कार जीत चुकी हैं, चाहे हमारी शीतल हो जिन्होंने देश दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। ये सब बच्चियाँ एक ही इलाके से आती हैं, सिमिलर अपब्रिंगिंग है, ज़रूरत है सिर्फ एक कॉन्फिडेंस इनमें लाने की और एक इनको मुकाम देने की। तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा काम कर रही है, और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड यूथ सर्विसेज ऑफिसर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बच्चियों का ऐसा मनोबल बढ़ाया। देखिए ये स्कीम्स लाई इसलिए जाती हैं कि हम एक जो हमारी समाज की मानसिकता है उसको बदल सकें, और आप देख सकते हैं हमारी बच्चियों का कॉन्फिडेंस। मैं चाहूँगा कि आप इसके बाद हमारी बच्चियों से भी बात करें और उनकी भी छोटी बाइट्स लें, इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, इनके पेरेंट्स ने इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जो शायद पहले नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है,
जो पेरेंट्स अभी भी अपनी बच्चियों को पीछे रखते हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, देखिए बच्चियाँ ही देश को अब आगे बढ़ा रही हैं। देश की तरक्की आज इससे दिखती है कि हमारी प्रेसिडेंट एक महिला हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों को आप सब के ज़रिए उनको मैसेज पहुंचाएं कि बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म दें ताकि हमारी बच्चियां अपना ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। कि आज मैं स्टेडियम से एक एश्योरेंस और देता हूं, हमेशा जब से हमने ज्वाइन किया था यहां पे तो सबकी एक उम्मीद रहती थी कि इस स्टेडियम में घास कब लगेगा और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो कब होंगी। तो बहुत खुशी होती है आपको बताने में कि स्टेडियम के लिए 1 करोड़ का टेंडर लग चुका है और जल्दी ही वो अलॉट हो जाएगा और यहाँ पे घास लगना, इसका रिनोवेशन करना और यहाँ के वॉशरूम्स को फंक्शनल करना, वो सारी चीज़ें इसी साल होंगी। विरोनिका परिहार, हम जंगलवाड़ से मतलब जून 33 से आए हैं। हमें वॉलीबॉल खेलने का आज मौका मिला है। पहले भी हम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में आए थे और हमने देखा कि यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से खिला रहे हैं। तो फिर हमारे प्रिंसिपल ने हमें बोला कि आपको मतलब कि आपको चुना गया है कि फिर से खेलो आप। तो फिर से हम यहाँ पर खेलने आए और हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल देख कर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि हमें पता है कि पहले मतलब कि लड़कियाँ पैदा होती थी उन्हें पहले ही मार दिया जाता था, तो आज के ज़माने में कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कहीं पर ये होता है लेकिन आज के ज़माने पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी स्पोर्ट्स है। पढ़ाई भी ज़रूरी है लेकिन स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, जिससे हम फिट रहते हैं। हम मेंटली फिजिकली हमें स्पोर्ट्स मतलब कि चूज़ करना चाहिए। मतलब कि हर एक इक्विपमेंट्स भी हमें स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे मिल रहे हैं आजकल, हर एक चीज़ अच्छी मिल रही है तो हमें स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स पूरा सपोर्ट देते हैं हमें।